इकाई जो है क्षेत्र दो भाग में बांटती है, तो किसी एक क्षेत्र में उसका सॉल्यूशन होगा। तो एक क्षेत्र क्या हुआ, बोर्जिन के तरफ एगोर्जिन की विपरीत। तो अब इसका निर्णय करने के लिए ओरिजिन आपका मदद करेगा। जो लाइन ओरिजिन से नहीं गुजरती है उसके लिए ओरिजिन मदद करेगा। जो लाइन ओरिजिन से गुजर रही है, जैसे यहाँ वाई एक्स गुजर सकता है यहाँ, उसके लिए काल्पनिक पॉइंट लेना पड़ता है, अपने से कोई पॉइंट लेने। यह लाइन ओरिजिन से नहीं गुजर रही है तो इसका निर्णय ओरिजिन करेगा। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट इसमें रखिए, जीरो प्लस जीरो ग्रेटर देन इक्वल टू, इसका कैलकुलेशन जीरो हुआ। और यह रिलेशन कैसा है, ऑल साइड, इसका क्या हुआ है, यानी कि सॉल्यूशन इधर हो, समझ में आया। और वही अगर इस तरह से रास्ता लेस देन इक्वल टू, तब किधर होता, तब यह रिलेशन ऐसे हो जाता, सही आ जाता, तब किधर होता, समझ में आया। तो मान लीजिए कि अब ऐसा हम ले लिए तो ओरिजिन के तरफ हुआ क्या, और सवाल में हम दे दिया इस तरह से एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू फाइव, एक्स नॉन नेगेटिव एंड वाई नॉन नेगेटिव, बेटा कि इसका सॉल्यूशन बताए। तो यह क्या बता रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट अभी बताए थे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉमन क्षेत्र, यह हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट। और यह क्या बता रहा है, किधर का क्षेत्र, और वो भी जांच कर सीखे थे ओरिजिन के तरफ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ओरिजिन के तरफ वही क्षेत्र न होगा, बोलिए जी, समझ में आए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ओरिजिन के तरफ यही क्षेत्र होगा। अब इसमें कौन कॉर्नर पॉइंट दिखाई दे रहा है, तीन गो, ठीक है। सवाल इस तरह से देता है, देखा जेड बराबर टू एक्स प्लस थ्री वाई को मैक्सिमाइज कीजिए या मिनिमाइज कीजिए, मैक्सिमाइज और मैक्सिमम वैल्यू बताइए या मिनिमम वैल्यू बताइए, सवाल किया जाए। और उसके बाद तब आपको दे देगा इस तरह से कि एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू फाइव, एक्स नॉन निगेटिव वाई नॉन निगेटिव, ठीक है। तो ये जो देता है जिसको मैक्सिमम या मिनिमम दिखाना है, यह ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहलाता है, क्या कहलाता है।